गाइस, यश के सारे कपड़े उसकी दादी नीचे लेगी। अब यश ऐसे जाएगा नीचे। अच्छा थोड़ी कम हुई, उस बारे में बात मत करो। नहीं बताओ, नहीं तो लेवल पारा हाई यहाँ तक का हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। Is this what giving up feels like? I don't know. Hey guys, आज है न्यू डे, न्यू ब्लॉग। आज मैं ब्लॉग में आपको कुछ सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई है। एज यूजुअल हमेशा ही होती है, तो आज जो प्रॉब्लम हुई है शायद उससे कई लेडीज रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि मेरे घर में खाना आप सबको पता है, हमारे ब्लॉग्स में देखा भी होगा कि बहुत कम बनाती हूँ मैं, मतलब बनता ही नहीं। मोस्टली हम लोग बाहर का खाते हैं, अच्छा लगता है, घर का नहीं अच्छा लगता हम दोनों हस्बैंड वाइफ को। तो इस चक्कर में क्या हुआ, जो घर में हमारे दालें पड़ी थी उसमें पतले पतले छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं। तब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो मुझे उनको फेंकना पड़ा। और मैं अभी आपको डब्बों का हाल दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये सारे डब्बे मैंने धो के रखे हैं, ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पे भी ये दालें कुछ बाहर निकाल रखी हैं, कुछ डब्बे ये पड़े हैं, पैकिंग में ही पड़ी हैं अभी कुछ दालें तो। और जिसमें से आज एक दाल मैंने बनाई, जो कि मुझे बहुत दिनों बाद मिली, वो है ये है शायद से काले मसर। और मैंने इसको कुल्थ के बोले के में, मतलब मुझे लगा ये कुल्थ दाल है, मैंने ये बना डाली। तो अब देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। अब इसके साथ बनाऊंगी मैं चावल। ये देखो डब्बों के ढक्कन भी यहाँ पड़े हैं। तो मुझे ज़रूर बताना यार कि अगर ऐसे बंद डब्बों में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं तो क्या करें। राहुल जी गए हैं यश को लेने, अब वो आएंगे यश को जब लेके, तब तक मुझे बहुत सारा काम करना है। अभी वो दालों के डब्बे जो मैंने दिखाए थे आपको, वो बंद करके रखने हैं। और मैस बहुत फैला हुआ है, ये देखो सोफा का मैट खोल रखा है, अभी इसको समेटना है। पूरे कमरे का हाल देखो क्या हो रखा है, अब सब ये समेटना है। उसके बाद अभी पहले चावल चढ़ाऊंगी, उसके बाद देखते हैं। और अभी तक मुंह भी नहीं धोया हुआ, देखो गर्मी कितनी हो रही है, इतनी स्वेटिंग हो रही है जैसे मैं करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब तक यश आ जाएगा। तो यश से बातें करते हैं आज, क्योंकि यश थोड़ा सा उदास चल रहा था अभिषेक के हारने की वजह से, बट वो उसको बहुत पसंद करता है शायद से इसलिए। तो आज थोड़ी सी बातें करेंगे यश से, और आज हम व्लॉग में वही डालेंगे, क्योंकि बहुत दिनों का यश से आराम से बैठ के बातें नहीं करी। वैसे क्या हुआ था बेटे स्कूल में बता, अब ये मजाक कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ था। आज बच्चे सारे बच्चे क्या ड्रेस पहन के आए थे? नॉर्मल ड्रेस पहन के आए थे। मैम ने पनिशमेंट तो नहीं दी आपको? क्योंकि बेटा मैम का मैसेज आया था कि आज हाउस होल्ड वाली जो एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटी होती है, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये पहना के भेजा था। किसी ने कुछ बोला तो नहीं ना स्कूल में? किसने बोला बता मुझे? बच्चों ने मेरी इतनी बेइज्जती करी आपके वजह से। बेटा वो बेइज्जती नहीं कि तुम ये कपड़े तो पहन के आए हो, सर में हंसा दी उन्होंने। कोई बात नहीं, छोटे बच्चों की कोई बेइज्जती नहीं होती है बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो दिल पे लेनी छोड़ो बातों को, ऐसे दिल पे बातें लोगे तो फिर थोड़ी ना बात होगी, क्या बेइज्जती वाली बात है। अभी आप छोटे हो बेटे। अच्छा इधर आ, कैसा रहा टेस्ट हिंदी का? हाँ करवाया टेस्ट। नहीं कराया? आपने तो वो दो पेज तो करवाए नहीं। कौन से दो पेज? अरे बेटे उसका टेस्ट नहीं था, नहीं करवाया तो फिर बेटे आज एक्टिविटी में इन्होंने वो कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कैसा रहा दिन स्कूल में? अच्छा। देखो गाइस जब इसे पूछो ना ये जवाब नहीं देता ढंग से। और आज आपने हाय हेलो भी नहीं बोला किसी को, हाय हेलो तो बोलो। कैसे बोलूं हाय हेलो आपके वजह से? अरे मेरा बच्चा, चल सॉरी आगे से ध्यान रखो। बोलो मत, हाय मेरा बच्चा, नहीं होगी, नहीं होगी। गाइस, यश के सारे कपड़े उसकी दादी नीचे लेगी। अब यश ऐसे जाएगा नीचे। क्यूट सी लड़की बन गई, कैसा लग रहा है यश? चलो जाओ नीचे जाओ, कपड़े पहनो जाके। कमर
चल मैं अभी ढकती, रुक जा। तो ये हो रही है तैयारी रील्स बनाने की राहुल जी की। सुबह से लगे हुए थे एडिटिंग में, एडिटिंग हो चुकी है, वीडियो एडिटिंग, और अब बनेगी रील्स। तो राहुल जी हेलो हाय तो बोल दो दर्शकों को, सुबह से अब मिले हो, रोशनी में मिलेंगे, कुछ तो बोलो। कुछ शिकायतें थी आज सुबह तुम्हें, अभी थोड़ी कम हुई, ए जगमग करती हंसी आ गई भाई लौटने के चेहरे पे वो शिकायत छोड़ो यार, मतलब नहीं थोड़ी कम हुई उस बारे में बात, अच्छा थोड़ी कम हुई उस बारे में बात मत करो, नहीं बताओ नहीं तो लेवल पारा हाई यहाँ तक का हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, आज मैं भी गर्म दिमाग बैठी हूँ। छोड़ो तुम, छोड़ दूँ किसको, उस बात को शुक्र है उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया उस बात को, मिट्टी में खोद के डाल दो उसको। आज बड़े दिनों बाद यश ऑरेंज कपड़ों में दिख रहा है, वरना हमेशा पीली टी शर्ट में दिखता है इसके पास पीली टी शर्ट बहुत सारी है, और आज ये कुछ ये बना के लाया स्कूल से, दिखाना यश क्या लाया बना के बेटे, इनको पेंसिल और पेन स्टैंड बनाने को बोला था, तो ये देख लो ये कितना खतरनाक स्टैंड बना के लाया, और उसके अंदर इसने ये क्या लगाया यश, रैबिट, रैबिट है ये, रैबिट है। अच्छा तो ये यश ने बनाया है, खतरनाक स्टैंड है, खतरनाक वाला ये बा मानो भूत है, देख लो बच्चों के हाल। और ये देखो गाइस ये मंगाई है मैंने डम पॉट से पनीर बटर मसाला, तो ये देखो किस तरीके से कितनी सुंदर हांडी में भेजी है, अभी इसको खोलूंगी मैं। ये देखो ये है इनका डम पॉट सेक्टर 8 से मंगाया मैंने, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इनका, टेस्टी है फूड, तो देखती हूँ आज ये कैसा है, घी बहुत है, साथ में अनियन देते हैं ये अनियन रिंग्स, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, अभी देखते हैं टेस्ट करके बताऊंगी जरूर कैसे। तो गाइस खाना हम खा चुके हैं, और बनाते बनाते इतनी ज़्यादा पसीना आने लग गया था कि मुझे कपड़े चेंज करने पड़े हैं दोबारा से, तो सब्जी बहुत स्वाद थी, हांडी पनीर बहुत स्वाद था वो। अब सोने का टाइम है, सोने जा रहे हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ, तो अभी के लिए बाय बाय।